गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछला टॉपिक हमने रेशियो वाला किया था, अब रेशियो के ऊपर ही कई एज के ऊपर आपके क्वेश्चंस मैथ में आपको मिल जाते हैं, प्रॉब्लम मिल जाती हैं, जिसमें आपको किन्हीं भी दो व्यक्तियों की एज निकालनी मिलती है और उनकी रेशियो दी गई मिलती है, उसमें किस प्रकार से आप ये क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं देखिए। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स ऑन एज डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स On ages. First question आपको दिया गया है कि स्मीना and सोहा are two girls. The ratio of ages between them is 7:3. After 4 years, the ratio will be 4:3. Then what is the ages of Smina and Soha? कि वही दो लड़कियां हैं, दोनों के एज की जो अभी रेशियो है वो है 7:3 और 5 साल बाद 5:3 हो जाएगी दोनों की एज की रेशियो, तो उनकी एज निकालनी है। तो रेशियो बिटवीन द एज ऑफ समीना एंड सोहा गिवन है आपको 7:3। तो लीजिए, अगर आपको यहां से एज मांगनी हो तो एक कॉमन मल्टीपल जो दोनों की एज है वो आप एक्स मान लीजिए। रेशियो वाला टॉपिक जब करवाया तो बताया था रेशियो भाई दोनों का एक कॉमन मल्टीपल भी हो सकता है, और फाइनली जो आपको रेशनल नंबर मिलता है वही रेशियो होती है। देन हम यहां से मान सकते हैं द एज ऑफ समीना 7x, एज ऑफ सोहा 3x। अब बताया कि 4 years के बाद 4 साल के बाद दोनों की एज 5:3 हो जाएगी, दोनों की रेशियो जो है वो 5:3 4 साल के बाद। तो 7x + 4 और ये के बाद समीना की एज हो जाएगी ना, और 3x + 4 ये सोहा की हो जाएगी। क्या गिवन है वो कितनी जाएगी 5:3 ये हो जाएगी ना। अब इसको देखिए 7x + 4 3x + 4 5:3 गिवन है दोनों की एज की रेशियो। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की जब 7 से करेंगे तो 21x, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ये हो गया 15x को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 6x बच जाएगा, 12% घर लेके जाओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, 8 बच जाएगा, x = 8/6 यानी कि 2 पे जब इसको आप कैंसिल करोगे 2 4 जा 8 2 3 जा 6 4y 3x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x की वैल्यू है तो दोनों की प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं ना, तो इसकी क्या रहेगी 7 × 4/3 28/3, और इसकी क्या रहेगी 3 × 4/3 यानी 4। इसकी एज ये है, इसकी एज ये है। तो एज की क्वेश्चंस जब भी आए तो उनको इस तरह से सॉल्व करना है। आपको दोनों की रेशियो दी गई मिलेगी और बताया गया मिलेगा कि 6 साल पहले रेशियो ये थी, तो आप माइनस कर देंगे। प्रेजेंट एज आप निकाल दी गई है, आपको कॉमन मल्टीपल एक्स को मारना है, एक्स से उनकी दोनों की एज आ जाएगी। और बोलेगा कि भाई 1 साल पहले रेशियो ये थी, तो आगे अब निकालो, अब एज क्या है वो एज निकालो। पीछे की ओर एक बार बता देता हूं, अगर पिछली रेशियो अगर दी गई है तो किस प्रकार से करते हैं। देखिए कि भाई
मोहन और सोहन की प्रेजेंट एज की रेशियो 1:2 है। 2 साल पहले दोनों की एज की रेशियो 4:9 थी। देन व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, रेशियो क्या गिवन है, रेशियो बिटवीन द एज ऑफ सोहन एंड मोहन गिवन है भाई 1:2। यहां से एक कॉमन मल्टीपल हमने मान लिया कि x7। जब दोनों की रेशियो दी गई है तो दोनों का कॉमन मल्टीपल x है, तो सोहन की एज क्या होगी, x, और मोहन की 2x। आगे हमको क्या होगा कि 2 साल पहले दोनों की एज 4:9 थी, दोनों की एज की रेशियो, तो 2 साल पहले सोहन की एज क्या होगी, x माइनस 2 रहेगा ना 2 साल पहले, और मोहन की क्या होगी 2x माइनस 2। ये रेशियो कितने की गिवन है, 4:9, 4:9। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से जब x को करेंगे तो आएगा 9x, 9 से जब 2 को करेंगे तो आएगा 18, 4 से जब 2 को करेंगे तो आएगा 8x, और 2 से जब करेंगे तो आएगा 8। ये x इधर आएगा तो x बच जाएगा, 8 जब उधर जाएगा तो प्लस का जाएगा, क्योंकि यहां माइनस है, तो 8 प्लस 18 यानी 20 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, मींस सोहन्स एज इज इक्वल टू 20 एंड मोहन्स एज 2x है ना, 20 × 2 = 40, दोनों की एज का रेशियो, ये दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। समझ में आया, एज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं कि एक फादर की एज उसके सन की एज से 4 times है, 4 गुना है, और 4 साल बाद उसकी एज उसके पिता की एज पुत्र से आधी हो जाएगी, सॉरी पिता की नहीं पुत्र की आधी हो जाएगी, सन की आधी हो जाएगी, दोनों की एज की रेशियो निकालो कि भाई हम यहां पे सन की एज मानेंगे, सन एज एक्स 4 times है ना, तो फादर एज होगी 4 times है, कहता है कि 4 साल के बाद दोनों की जो सन की एज है वो 2 times हो जाएगी, तो 4 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 4, और फादर की क्या हो जाएगी 4x + 4। अब 2 times कौन सी एज है, ये वाली एज है ना 2 times, तो यहां उसे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई दोनों को इक्वल बनाने के लिए, क्योंकि ये वाली एज 2 times गिवन है, तो क्या आ जाएगा 2x + 8 = 4x + 4। यहां से जब इसको करेंगे तो यहां आएगा 2x जब वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है तो 2x हो जाएगा, यहां ये 4 जब इधर आएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी से जब 4 जाएगा तो 4 बचेगा ना, x = 4/2 यानी 2, x 2 आ गया, यानी सन की जो एज वो आ गई 2 और फादर की एज 2 × 4 यानी ये बहुत कम आई है भाई, लेकिन ये आपके जो प्रॉब्लम्स गिवन है उसके आधार पे ही आई। समझ में आ गया, थैंक्स।